इधर बरेली में एक मुस्लिम महिला को इसलिए तलाक दे दिया गया क्योंकि उसके दो बेटियां थीं। बेबी अफरोज नाम की महिला को बेटा नहीं था, इस वजह से पति ने तलाक दे दिया और उसको दो मासूम बेटियों के साथ मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया और अब उसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो वहीं तीन शादियां कर चुके दहेज लोभी ने दहेज ना देने पर एक महिला को तीन तलाक दे दिया। अब ये दोनों महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रही हैं। बड़ी बेटी की बीच में मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी, उसे खांसी और बुखार वगैरह रहता था, दिल में उसकी दिक्कत थी। जब मैं बोलती थी उन लोगों से कि इसे कोई परेशानी है, अपने पति से बोलती थी तो वो मुझे मारपीट करता था, परेशान करता था, आवाज़ बंद करने के लिए हमेशा कहता कि होगी तकलीफ है, मर जाने दो इसको। पर मैं माँ थी इसलिए इस सबको झेल नहीं पाई और मैंने कई बार कहा इसको दिखाओ, नहीं दिखाया उसने। जब मैंने ज़्यादा कहा तो मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। ना वो कोई चीज़ देता है मेरी, ना ही लड़की के लिए इलाज के लिए पैसा देता है, ना ही वो देखने आता है। कई बार मैंने फ़ोन करवाया, बेटी ने फ़ोन करा, पापा हमें देख लो मर जाएंगे, कहता मर जाओ हमें कोई मतलब नहीं, तुमसे मरो चाहे जिंदा रहो। जी मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी हुई 23 मार्च 2014 को और मैं दो ही महीने अपनी ससुराल में रहने पाई थी कि मेरे शौहर ने मुझसे पैसे की डिमांड की, सास नंदों ने मेरे साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया मेरे दो पहने हुए कपड़ों में और कहा कि 4 लाख रुपया लेके आना, तब तो आना नहीं तो मत आना। सुबोध मिश्रा हमारे साथ हैं। सुबोध, गुहार तो लगाई ही गई है प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, क्या उम्मीदें हैं इन लोगों को? लोगों को योगी सरकार आने से बता दें आपको कि बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि इन मुस्लिम महिलाओं का ये कहना है कि मैंने वोट भी दिया और बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिया कि योगी सरकार आएगी तो हम लोगों का बड़ा भला करेगी। क्योंकि यहाँ पर एक बता दें आपको, पूर्व में एक आला हजरत दरगाह है और वहाँ पर उसकी बहू भी दर दर की ठोकरें खा रही है और लगातार उस पर भी तीन तलाक का पूरी तरह से उसको घर से निकाल दिया। अब मामला ये उसका आला हजरत दरगाह की बहू का कोर्ट में चल रहा है और इन दो महिलाओं का जो है विवाद अभी तक पूरी तरह से शरीयत और यही सब उसके बीच में फंसा पड़ा है। बट किसी तरह से कोई भी मौलवी और इस तरह से कोई भी समाधान का सही हल नहीं निकाल पा रहे हैं। अब इन लोगों को उम्मीदें हैं पूरी तरह से योगी और मोदी से। देखने वाली बात ये होगी कि कितनी तरह से ये लोग इसका निदान कर सकते हैं। जी।